खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत एजी कॉलेज मोड़ के पास गोली चलने की घटना सामने आई है। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस प्रभारी हितेन नाथ शर्मा अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जांच कर रहे हैं। वहीं सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेन नाथ शर्मा ने बताया कि दो युवकों ने रितेश रावत नामक युवक को गोली मारी है और गोली मारने के बाद मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने घटना स्थल पर गोली का छर्रा भी बरामद किया है। घायल को रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायल का उपचार चल रहा है। अब सिविल लाइन पुलिस पूरे घटना की जांच कर रही है। आपको बता दें, रीवा शहर में आए दिन गोली चलने की घटना हो रही है। हालांकि गोली चलने की घटना के बाद ही मौके पर सिविल लाइन पुलिस पहुंच गई और मामले की जांच कर रही है। अभी सूचना मिली थी कि एजी तिराहे के पास क्रेन सर्विस में एक लड़का काम करता था, रितेश रावत। रोड से दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से निकलते हुए उसको फायर किए हैं, जिस जो उसके कमर के ऊपर लगी हुई है। घटनास्थल देखने पे खोखा मिला है और इलाज अभी इसका संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। हालत ठीक है, आरोपियों की पता तलाश की जा रही है, विवेचना जारी है। ऐसी प्रथम दृष्टया जानकारी मिली कि लगभग दो लोग थे मोटरसाइकिल में, कमर में लगी है, एक ही फायर है।